डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु हब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं जयंत। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बहुत टाइम से आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं कि सर, ये जो फाइनल मीटिंग है सीबीएसई की और आरबीएसई की, ये कब हो सकती है। तो दोस्तों, कल 11 बजे का टाइम फिक्स किया गया है और इस टाइम के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई है, जिसमें सारे राज्य के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और इस जो मीटिंग का एजेंडा रहेगा, वो एजेंडा ये है कि इस मीटिंग में हमें ये डिस्कस करना है कि हमें बच्चों को किस तरीके से प्रमोट करना है। अगर प्रमोट करना है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, और अगर एग्जाम कराना है तो उस एग्जाम कराने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम बच्चों की लाइफ को बचा सके, बच्चों पे कोरोना का असर ना हो सके और हम एक उचित डिसीजन ले सके। अभिभावकों और बच्चों की बात भी इस मीटिंग के अंदर सुनी जाएगी, यानी कि अभिभावकों का क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, वो मुद्दा भी इस मीटिंग के अंदर रखा जाएगा, वो भी एक अहम मुद्दा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना चाह रहा था, कल 11 बजे 23 मई 2021 11 बजे ये वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, तब तक आप रेगुलर ट्वीट करते रहे, अपनी बात पहुंचाते रहे। तो आप फ्रेंड्स टैग करें राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे राजस्थान के सरकार अशोक गहलोत जी को भी टैग करें, शिक्षा मंत्री डोडासरा जी को भी टैग करें, भाटी जी को भी टैग करें। तो इस तरीके से आप अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहे। मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूं, आप लोगों का सपोर्ट है मेरे को और मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं। तो आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और साथ ही अपने पेरेंट्स को भी बोले कि वो भी ट्वीट करते रहे, क्योंकि कल की 11 बजे की जो मीटिंग होने वाली है वो एक अहम मीटिंग साबित होगी। तो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू करें जब तक आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच जाए। फिर कल जो भी अपडेट आएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।